गुड मॉर्निंग एवरीवन. इन लास्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक ऑफ कंसेप्ट ऑफ स्पीड. टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑन कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी. कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज वेलोसिटी? Velocity is the ratio of displacement travel and corresponding time taken by an object in motion. So, velocity की definition होगी, it is the ratio of displacement and corresponding टाइम टेकन बाई एन ऑब्जेक्ट इन मोशन. मीन्स अगर मैथमेटिकली हम बोले तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किस किन दो चीजों का रेशियो है? डिस्प्लेसमेंट का. और डिस्प्लेसमेंट का किसके रेस्पेक्ट में? कोरस्पोंडिंग टाइम बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन या इन मोशन. अगर मैथमेटिकली लिखे तो हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. तो हमारे पास जो वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी किसके बराबर आ गई? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. मैथमेटिकली वेलोसिटी को किसके बराबर रख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. अगर मैं मान लूं इफ इफ एस वेक्टर, वेक्टर क्यों? वेक्टर की डायरेक्शन इसके ऊपर एरो लगाया है, डायरेक्शन है. एस वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन टाइम टी, देन वेलोसिटी, वेलोसिटी को किससे दिखाते हैं? वी वेक्टर से. इज गिवन एज. तो वेलोसिटी को किससे दिखाएंगे हम लोग? वेलोसिटी इज इक्वल टू वी वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट को एस वेक्टर से और टाइम को टी से. तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? v इज इक्वल टू s बाई टी. एस वेक्टर है, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी. ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों बोली गई है? क्योंकि बेटा मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या गिवन है? डायरेक्शन सी है. वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी क्या हो सकती है? जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और क्या हो सकती है? एंड नेगेटिव. तीनों में से कुछ भी हो सकती है. जीरो भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है. क्यों? आप लोगों के पास जीरो, आप लोगों के पास अगर डिस्प्लेसमेंट सेम पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी आता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी आता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी आता है, क्योंकि ये तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करती है. जब डिस्प्लेसमेंट जीरो पॉजिटिव नेगेटिव आता है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, और क्या आ सकती है? पॉजिटिव भी आ सकती है. अब बात करें हम लोग इसकी यूनिट की, कि वेलोसिटी की जो यूनिट होती है, वेलोसिटी की यूनिट किसके बराबर होती है? अगर हम बात करें, देखो यूनिट ऑफ वेलोसिटी, यूनिट ऑफ वेलोसिटी, अभी वेलोसिटी की यूनिट के बारे में डिस्कस करें. यूनिट ऑफ वेलोसिटी, देखो डिस्प्लेसमेंट को किसमें मेजरमेंट किया जाता है? मीटर में. और टाइम को किसमें मेजरमेंट किया जाता है? सेकंड में. तो हमारे पास क्या यूनिट आ गई? बोलेंगे एसआई यूनिट ऑफ
वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। सीजीएस सिस्टम में सीजीएस यूनिट जो होती है वो क्या होती है, सेंटीमीटर पर सेकंड। सिमिलरली स्पीड वाली बात है, स्पीड में भी क्या यूनिट होती थी एसआई, मीटर पर सेकंड। सीजीएस क्या होती थी, सेंटीमीटर पर सेकंड। और अगर बिगर यूनिट की बात करें, बिगर यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो वो किसमें आती है भाई, किलोमीटर पर आवर में। ये तीन यूनिट होती हैं। अगर ऐसा यूनिट या हम एमकेएस सिस्टम की बात करें, एक सिस्टम ऐसा ही सिस्टम को एमकेएस सिस्टम भी बोलते हैं, एमकेएस। देखो आप लोगों के पास एमकेएस सिस्टम जो होता है ऐसा ही सिस्टम ही होता है, इसके अंदर जो यूनिट होती है वो क्या होती है आप लोगों के पास, क्या होती है आप लोगों के पास, मीटर पर सेकंड। अब हम बात करें स्पीड की टाइप्स की, टाइप ऑफ स्पीड्स, कितने टाइप की स्पीड होती है। देखो वॉइड स्पीड, सॉरी वेलोसिटी, स्पीड नहीं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी चार टाइप की होती है, वो यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म के अंदर दो पार्ट्स आते हैं, एक होती है एवरेज स्पीड और एक आप लोगों के पास होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो देखो दोनों के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं, क्योंकि वेरिएबल और कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ही है मेनली दो, तो उसके अलावा इसके दो पार्ट और भी आते हैं। देखो टाइप ऑफ वेलोसिटी, सबसे पहली बात करें जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं या कॉन्स्टेंट वेलोसिटी बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। नाम से पता चल रहा है सेम स्पीड की जैसी है, बट यहाँ स्पीड के साथ साथ आप लोगों के पास स्पीड में डिस्टेंस आती थी, बट यहाँ डिस्टेंस के साथ साथ क्या आएगी, डायरेक्शन भी आएगी। बोलेंगे इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर। देखो यहां आप लोगों के पास एक नई डायरेक्शन और किसके साथ, डिस्टेंस विद डायरेक्शन क्या बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। डिस्टेंस को अगर हम लोग डायरेक्शन के साथ अटैच करते हैं तो वो क्या बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। जैसे अगर आप लोगों को मैं एक एग्जांपल दूं, यूनिफॉर्म के अंदर बोलूं कि अगर एक एग्जांपल दे दिया जाए कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक एग्जांपल दो, तो उसके अंदर लिखते हैं ए ट्रेन ट्रेवल ओवर ए, एग्जांपल बताओ, ए ट्रेन ट्रेवल ओवर ए हॉरिजॉन्टल ट्रैक है और उसके ऊपर क्या ट्रेवल कर रही है आप लोगों के पास, कवरिंग 60 किलोमीटर इन एवरी आवर, कवरिंग 60 किलोमीटर इन एवरी आवर। देखो ये देख दिया हॉरिजॉन्टल ट्रैक, हॉरिजॉन्टल ट्रैक है, उस हॉरिजॉन्टल ट्रैक के ऊपर एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है, कितने किलोमीटर, 60 किलोमीटर। देखो हॉरिजॉन्टल ट्रैक में डायरेक्शन आ गया आप लोगों के पास, ये डिस्टेंस 60 किलोमीटर और एवरी आवर। तो यहां अगर हम लोग देखें 60 किलोमीटर कितने आवर में, वन आवर, वन आवर का मतलब कितना हो गया 60 मिनट। अगर हम लोग देखें तो ये भी 60 है और ये भी 60 है, दोनों इक्वल है। ये डिस्टेंस होगी डिस्टेंस विद डायरेक्शन, डिस्टेंस विद डायरेक्शन, और ये आप लोगों के पास क्या आ गया, टाइम आ गया। तो यहां देखें दोनों इक्वली डिस्टेंस होगी, इक्वली टाइम का इंटरवल हो गया। तो जहां आप लोगों के पास इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम
और पर्टिकुलर डायरेक्शन का काम यहाँ पे क्या कर रहा है, ओरिएंटेड रहा है। अगर हम इस डिस्टेंस को स्मॉलेस्ट पार्ट में भी लें, अगर हम बोले कि 1 किलोमीटर स्मॉलेस्ट यूनिट बना लें, 1 किलोमीटर कितने टाइम में कवर करेगी, तो हमारे पास आएगा 1 मिनट के अंदर। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ले लें, छोटे पार्ट में भी अगर हम उसको डिवाइड करें तो भी हमारे पास ये यूनिफॉर्मिटी ही रहेगी, ये दोनों चीजें सिमिलर आएगी, इसलिए इसके वेलोसिटी को कैसा बोला गया है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म, जिसको वेरिएबल वेलोसिटी बोला जाता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और जिसका दूसरा नाम क्या है, वेरिएबल। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंस, नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इफ ए बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो उसका जो आप वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है वो कैसा आएगा, नॉन यूनिफॉर्म आएगा। अब जैसे मैं बोलूं, कई बार क्या होता है, यहां अगर एक एग्जांपल दूं, ए बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, ये देखो ये बॉडी है सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। अब देखो सर्कुलर पाथ में गए तो यहां पे हम ये बोले इसकी स्पीड कांस्टेंट भी हो सकती है और स्पीड डिफरेंट भी हो सकती है। स्पीड कांस्टेंट होगी तो भी हर पॉइंट पे उसकी जो डायरेक्शन होगी वो चेंज होगी, और जहां डायरेक्शन चेंज होगी तो डिस्टेंस ट्रेवल के साथ साथ जो आप लोगों के पास अगर डायरेक्शन भी चेंज होगी तो मीन्स वो क्या बन जाएगी आप लोगों के पास, डिस्प्लेसमेंट। और इसकी जो सर्कुलर पाथ के अंदर जो वेलोसिटी होती है, सर्कुलर पाथ में जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है आप लोगों के पास, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। मैं आपको छोटे छोटे 3 एग्जांपल बता रहा हूं कि कोई बॉडी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कब ट्रेवल करती है। देखो बाय चेंजिंग द स्पीड, अगर बॉडी की स्पीड चेंज कर दी जाए, क्योंकि स्पीड चेंज होगी तो आप लोगों के पास तो उसके अंदर भी क्या उसकी वेलोसिटी कैसी होगी, क्योंकि स्पीड चेंज करने का मतलब कम और ज्यादा वेरिएबल होगी, तो उसके अंदर भी बॉडी के अंदर जो वेलोसिटी होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। और अगर उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी जाए या फिर दोनों चीज चेंज कर दी जाए, स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन, तो भी उसकी वेलोसिटी किसके अंदर आएगी, नॉन यूनिफॉर्म के अंदर आएगी। अब हम बात करते हैं तीसरी टाइप की स्पीड की, जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती थी, मैंने बताया था लास्ट टॉपिक में कि पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर, अगर हम लोग एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ले, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर हम अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी निकाले तो उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो क्या होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर जो वेलोसिटी निकालते हैं उस वेलोसिटी को हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। सबसे मेनली आप लोगों के पास है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम एवरेज वेलोसिटी के बारे में देखें तो हमारे पास क्या होती है, वेलोसिटी के बारे में देखा जाए तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होती है, टाइम होती है। तो अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी की बात करें, इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज u and final velocity of the body is v, then there
अर्थमैटिक मीन, अर्थमैटिक मीन इज इक्वल टू, किसके इक्वल आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। अगर एवरेज वेलोसिटी को दिखाना है तो एवरेज वेलोसिटी को कैसे दिखाएंगे, वी ए वी। देखो अगर याद हो मैंने वी वर्ड से वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया हुआ है और वी के साथ में अगर ए वी और उसके साथ लिख दे तो एवरेज बन जाएगी। तो वी ए वी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टू, दैट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल। कोई बोले कि इनिशियल वेलोसिटी दे रखी हो यू और फाइनल वेलोसिटी दे रखी हो वी और आपसे पूछे कि उसकी एवरेज वेलोसिटी बतानी है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का जो अर्थमेटिक मीन होती है वो क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी। एक एवरेज वेलोसिटी का और भी फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट को किससे डिवाइड कर दिया जाए, टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है, उसकी एवरेज क्या होती है, वेलोसिटी निकालते हुए आते हैं हम लोग, एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। इसके बाद अगर बात करें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे कि कब जो है एवरेज, एक क्वेश्चन है कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कब इक्वल हो सकती है एवरेज वेलोसिटी। एक ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन के अंदर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल हो सकती है, वो कंडीशन क्या है, इफ ए बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट पाथ। अगर बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है तो उस केस के अंदर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, बराबर होगी। क्योंकि अगर हम लोग देखें एवरेज स्पीड किसके बराबर आती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर हम दूसरी बात करें एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर आती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर आती है, ये आती है भाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखो स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर एवरेज वेलोसिटी आपसे क्वेश्चन पुट किया जाएगा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अंडर विच कंडीशन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। तो सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसके अंदर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल हो सकती है, कब, जब बॉडी मूव कर रही हो स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर। तो उस केस के अंदर हम लोग क्या बोल सकते हैं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या हो सकती है, इक्वल होती है। तो देखो अभी इन दो टॉपिक्स के बीच में हम थोड़ा सा इनका कंक्लूजन निकाल लेते हैं, डिफरेंस स्टडी कर लेते हैं कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है, कुछ पॉइंट्स हैं जो इनके रिगार्डिंग आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताएंगे। तो देखो हमारे पास हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। देखो एक तरफ हम स्पीड के लिए डाटा बना लेते हैं और एक तरफ हम वेलोसिटी के लिए डाटा बना लेते हैं, तो दोनों के बीच के अंदर देखा जाए तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, देखो वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, यहां बना लेते हैं स्पीड और यहां डाटा बना लेते हैं वेलोसिटी। देखो फर्स्ट पॉइंट दोनों के रिगार्डिंग हम लोगों ने पढ़ा, स्पीड कैसी क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्यों है, क्योंकि ओनली मैग्नीट्यूड होता है। और ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि वेक्टर क्यों है, क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या दी हुई है, डायरेक्शन भी दी हुई है। दूसरा हम इन दोनों की डेफिनेशन बता सकते हैं कि स्पीड किसके बराबर होती है, स्पीड जो होती है वो किसके बराबर हो सकती है, ये होती है बेटा डिस्टेंस अपॉन किसके इक्वल होती है, टाइम के इक्वल। और अगर यहां बात करें हम डिस्प्लेसमेंट की, सॉरी वेलोसिटी की बात करें,
तो वेलोसिटी किसके बराबर होती है? वेलोसिटी जो बराबर होती है वो किसके होती है? वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दोनों के फॉर्मूले बता दिए, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, दूसरी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तीसरा बता सकते हैं, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और ये क्या है? ये तो रेट ऑफ चेंज, रेट रेट वर्ड का मतलब क्या है? टाइम। चेंज ऑफ पोजिशन, पोजीशन जो चेंज हो रही है वो किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो बोल सकते हैं इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसमें बोलेंगे इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्पेसिफिक स्पेसिफिक डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर उसकी पोजीशन आप लोगों के पास चेंज हो रही है। मतलब यहां डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि किस डायरेक्शन में उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। वो अगर डायरेक्शन यहां पे आ गई, पोजीशन के साथ साथ अगर डायरेक्शन आ गई, तो उसको क्या बना दिया उसने? वेक्टर बना दिया। और लास्ट पॉइंट है, स्पीड जो होती है वो जीरो भी हो सकती है, स्पीड मे बी जीरो एंड पॉजिटिव बट नेवर नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती। और अगर हम लोग इसकी बात करें किसकी, वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या हो सकती है? जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था वेलोसिटी का कंसेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं इन स्पीड और वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स के साथ। थैंक यू।